दोस्तों आज सेवई बनाने जा रही हूँ। रसीली और मीठी सेवई तो बनाने में इतना आसान, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद हम 1-2 स्पून घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो जाने पर हम काजू और कटा हुआ बादाम भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन हो जाने पर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई गर्म है, मैं उसी कढ़ाई में सेवई 250 ग्राम डालकर भुनेंगे। गैस का फ्लेम कम करके भुनेंगे, भुना जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे। मैं एक बाउल लिया है, बाउल में 1 लीटर दूध डालकर उबालेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, जब उबाल आ जाए तो गैस को कम करके उबालेंगे। देखिए उबाल आ गया है। दूध में उबाल आ जाने पर भुना हुआ सेवई डालकर पकाएंगे, गैस का मीडियम करके पकाएंगे। सेवई 50 ग्राम है तो आप चीनी 50 ग्राम डालें। दूध में सेवई पकने से दूध गाढ़ा हो गया है। दोस्तों सेवई आप कोई पर्व में खा सकते हैं, सेवई खाने से पेट भरा भरा रहता है। दोस्तों सेवई बन चुका है, आप एक बाउल में निकालें। बच्चे और बड़े बहुत पसंद से खाएंगे और सेवई के ऊपर से काजू बादाम से सर्व कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।